लास्ट सेक्शन में हमारी आपकी बातें चल रही थी फाइलम पर, बातें खत्म हो गई थी ना। नीरिस आपका एक्वेटिक है या क्या? नीरिस के पास पैरापोडिया पाया गया था जो कि स्विमिंग में मदद करता है। बच्चों एनिमल किंगडम का लेक्चर वन किसका छूटा है? लेक्चर वन ठीक है। जिनका लेक्चर वन छूटा है वो बच्चे YouTube पे जाकर एनिमल किंगडम लेक्चर वन कर लेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पता किसी भी लेक्चर का कोई मतलब नहीं, लेक्चर वन में ही खेल खत्म हो गया था। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्या है? कहानी। आप सुनते जाइए। फाइलम आर्थ्रोपोडा, मेरा वॉइस का क्वालिटी ही हाई है, मैं क्या करूं। आर्थ्रोपोडा आओ, फाइलम आर्थ्रोपोडा ऊपर, फाइलम आर्थ्रोपोडा एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। इसके मेंबर, सुनिएगा मेरी बात, लार्जेस्ट क्यों है? अच्छा, कोई भी फाइलम इतना बड़ा क्यों हो गया? इतनी ज्यादा स्पीसीज है इस फाइलम में कि मैं एनिमल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एनिमल की बात ही नहीं कर रहा हूं, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका 2/3 अकेले ये फाइलम है। समझो मेरी बात, मतलब देखा जाए तो लगभग हर 10 में से 7 ऑर्गेनिज्म इस फाइलम के हैं। 10 में 7 टोटल जितनी स्पीसीज है, प्लांट भी ले लो भैया, अंदर लो प्लांट भी लो एनिमल भी लो, दोनों ले लो, उसके बाद भी आपका 70% लगभग 2/3 आपका अकेले मेंबर किसके हैं? फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब आपके मन में सवाल बन रहा होगा कि सर आर्थ्रोपोडा इतना सक्सेसफुल क्यों है? देखो भाई, 2 प्रमुख वजह, जमीन में भी रहता है, पानी में भी रहता है, प्लांट में भी रहता है, एनिमल के ऊपर भी रहता है। इसके मेंबर जो है जगह जगह रहते हैं। पानी में आपदा आई जमीन वाले बच जाएंगे, जमीन में आपदा आई पानी वाले बच जाएंगे, पेड़ पौधों को बीमारियां हुई पेड़ पौधे जंगल से मर रहे हैं तो भी जमीन वाले बच जाएंगे। बोलो भैया, इनके पास ऑप्शंस मल्टीपल है। मान लो कोई मेंबर है जो सिर्फ और सिर्फ पानी में रहता है, और पानी में कोई विपत्ति आ गई, कोई आपदा आ गई, कोई कैटेस्ट्रोफिक चेंज हो गया, मतलब भयानक बदलाव हो गया, तो क्या वो जीव सर्वाइव कर पाएगा? नहीं। लेकिन इनके फाइलम के मेंबर डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट में पाए जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये बच्चे बहुत ज्यादा देते हैं। सर बच्चे बहुत ज्यादा देने का क्या मतलब है? बच्चे ज्यादा देने का मतलब बोलने दो, लगातार इन्वायरमेंट बदल रहा है, बदल रहे इन्वायरमेंट के साथ आपको भी बदलना पड़ेगा, और बदल रहे इन्वायरमेंट के साथ अगर आप नहीं बदलते हैं तो आप फिर निपट जाएंगे जैसे डायनासोरस। आप समझ रहे, बच्चे बहुत ज्यादा देते हो मतलब बच्चे बहुत ज्यादा पैदा कर रहे हो। बच्चे पैदा करने के लिए जाइगोट बनाना पड़ेगा, जाइगोट बनाने के लिए गैमीट बनाना पड़ेगा, गैमीट बनाने के लिए मियोसिस होगी, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन होगा। अरे प्रोफेज फर्स्ट, अरे यार इतना तो पता होना चाहिए, प्रोफेज फर्स्ट में क्रॉसिंग ओवर हुई थी, याद आया? क्रॉसिंग ओवर मतलब रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन मतलब वेरिएशन, और यही तो चाहिए फॉर एवोल्यूशन। नहीं समझ पाए? बच्चे ज्यादा, जाइगोट ज्यादा, जाइगोट ज्यादा, गैमेट ज्यादा, गैमेट ज्यादा, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा, वेरिएशन ज्यादा, तो एवोल्यूशन ज्यादा। एकदम क्लियर है वाली बात। तीसरी मुख्य वजह, अगर आपने कभी कॉकरोच को देखा है, कभी कॉकरोच देखे हो? कभी आपने अगर कॉकरोच देखा है, समझ गया मेरी बात, तो कॉकरोच के ऊपर एक चमकदार चमकदार एक लेयर पाई जाती है बेटा, वो कहलाती है काइटिन की बनी है। किसकी? काइटिन। इनका जो वो बाहर होती है कि अंदर होती है? बाहर। अगर आप कॉकरोच पच्चे से मार भी दीजिए तो अंदर का मलीदा आ जाता है बाहर, अंदर पूरा जो मलीदा होता है, अंदर का मलीदा जो है वो कहां आ जाता है? बाहर। लेकिन ऊपर से कॉकरोच टनाटन दिख रहा होता है। बोलो यार, पता है क्यों? क्योंकि काइटिन बेहद मजबूत है, मतलब कॉकरोच मारने के बाद भी डाउट होता है मारा कि नहीं। बोलो भैया, क्योंकि बेटा ऊपर से एकदम वो सख्त बना रहता है। अंदाजा लगाइए काइटिन कितना जबरदस्त मटेरियल होगा कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब मार दो ना, न्यूक्लियर बॉम्ब बोल रहा हूं, समझना, न्यूक्लियर बॉम्ब मतलब तबाही, मतलब एक तक तबाही। न्यूक्लियर बॉम्ब तो इतनी तेज काम करता है कि आप खड़े रहोगे खड़े खड़े गायब। अगर न्यूक्लियर बम के रेडिएशन आपके ऊपर आए ना, मान लो गीता नगर पे न्यूक्लियर बम गिरता है,
हम यहाँ बैठे हैं, ठीक है, और रेडिएशन जब यहाँ पहुंचेगा ना, फटाक से क्लास गायब। सर कुछ राख वाख? नो राख, नथिंग। कभी यहाँ लोग बैठा करते थे, एक चट में गायब हो गए। हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जो बॉम्ब गिरा था, कॉकरोच बच गए थे। कॉकरोच के ऊपर होता है काइटिन, और काइटिन न्यूक्लियर रेडिएशन तक झेल सकता है। दैट्स व्हाई दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल फाइलम। काइटिन, काइटिन जो है मजबूत सा, जो इसका ढांचा बना रहा है, एक्सोस्केलेटन बना रहा है कि इंडो? पक्का हम लोगों में इंडोस्केलेटन है कि एक्सो? दोनों। इंडोस्केलेटन हड्डियां और कार्टिलेज बना रहा है, एक्सोस्केलेटन नाखून। अरे यार, नाखून भी तो ढांचे की तरह काम कर रहा है। अब अगर नाखून निकाल के फेंक दे तो उंगली और मुड़ जाएगी। बोलो भैया, आप सुनो मेरी बात। दो तिहाई फाइलम सक्सेसफुल फाइलम, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ज्यादा, डिफरेंट वैरायटी ऑफ हैबिटेट में पाए जाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इस फाइलम की, तो इस फाइलम के मेंबर के ऊपर पाई जाती है काइटिन की हार्ड प्लेट। अब बेटा अगला फाइलम आर्थ्रोपोडा, इंक्लूड इंसेक्ट, ये सबको पता है। इंसेक्ट क्या है? क्लास। आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट आते हैं। लार्जेस्ट फाइलम, दो तिहाई मेंबर ऑफ ऑल द नेम्ड स्पीसीज। एनिमल की बात नहीं कर रहा है, टोटल जितनी है उनकी बात कर रहा है। ये किसकी है? आर्थ्रोपोडा। क्योंकि क्या पाई जाती है? काइटनेस इंडो एक्सोस्केलेटन। अब इधर देखो, कॉपी किताब छोड़ो। मान लो हम कॉकरोच है, तो हम खड़े होके चलेंगे कि लेट के? कॉकरोच के टोटल कितने पांव? थ्री पेयर। इंसेक्ट की प्रॉपर्टी है बहन, इंसेक्ट की प्रॉपर्टी है कि इंसेक्ट हैव थ्री पेयर ऑफ लेग्स। पक्का? पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर। अगर हम लेट के चल रहे हैं, समझना, तो मेरी बॉडी तीन पार्ट में डिवाइड हो सकती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। बॉडी सेगमेंटेशन है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, पढ़ो, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। पूछो सर ये सांस कैसे लेते हैं? पानी में भी रहते हैं और जमीन में भी रहते हैं। नाना प्रकार के रिस्पायरेटरी ऑर्गन है। कितने प्रकार के? नाना प्रकार के। गिल तो आपने सुना होगा, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है? पढ़ते ही नहीं हो यार। बुक गिल, गिल, बुक गिल, बुक लंग, ट्रैकियल सिस्टम। बोलो नाना प्रकार। आओ एक बुक दो, बता रहा हूं ना क्या होता है। बुक गिल्स देखने में ऐसा होता है जैसे आपकी बुक का एक पतला सा कागज है, ठीक है, ऐसे ढेर सारी शीट्स आपस में, ढेर सारी शीट्स आपस में मिल जाती हैं, और देखने में थोड़ा खुला हुआ रहता है। देखने में ये किताब की माफिक लगता है, मतलब किताब की तरह लगता है। पक्का? और दैट्स वाई इस गिल को क्या बोलते हैं? बुक गिल। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलते ही नहीं हुए यार। बस शेप की वजह से क्या बोल दिया? बुक गिल। ऐसे पतली पतली शीट्स होती हैं जिनमें ढेर सारा ब्लड का पाइप होगा। सर ब्लड का पाइप क्यों होगा? क्योंकि गैसों का आदान प्रदान कहां से होगा? बुक गिल। पढ़ो, रिस्पायरेटरी ऑर्गन सारे, गिल, बुक गिल, निपोरा, झाम, एवरीथिंग। मिला? बोलते ही नहीं हो यार। अगला बेटा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, मैंने आपको पहले ही बताया था, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन इट्स एलिमिनेशन में, मेल्पिगियन टिब्यूल, याद करो, मेल्पिगियन टिब्यूल, इंसेक्ट। भूल गए क्या यार? बोलो यार, फ्लेम सेल, प्रोटोन, एफ्रीडिया, याद आया? अच्छा अगला फाइलम खत्म। आर्थो मतलब क्या होता है? ज्वाइंट। एपोडा मतलब, पोडिया मतलब होता है पांव, अर्थात इनके ऊपर, ऊपर देखो ऊपर, अगर तुमने कॉकरोच के कभी पांव देखे हो तो कॉकरोच के पांव बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे नहीं होते हैं, बीच बीच में क्या पाए जाते हैं? ज्वाइंट। इस वजह से इनका नाम पड़ा आर्थ्रोपोडा। कुछ भी बोर्ड पे नहीं लिखा और फाइलम हो गया खत्म। क्योंकि मैं लिखता तो हूँ, मेरी लिखने की आदत इन दीवारों पे नहीं, आपके दिमाग पे। हो गया, अब आ जाओ, आर्थ्रोपोडा खत्म। ये बताओ सांस क्या ये नाना प्रकार के अंगों से लेते हैं? अगला फाइलम मोलस्का, बेहद बेहतरीन फाइलम। चलो बेटा ये बताओ, वो सब बताएं दोबारा, सेगमेंटेशन और ये वो, तीनों तक डिप्लो, बाकी बचे ट्रिप्लो। पहला लेक्चर एनिमल किंगडम का आता है तो समझ लो आपको पूरा एनिमल किंगडम आता है। हम लोग एक चीज छोड़ रहे हैं फाइलम तीनों फोरा से, अब हम लोग उसको लेंगे। तीनों फोरा पे आइए, एग्जाम्पल्स। तीनों फोरा खोला, तीनों फोरा का पहला एग्जाम्पल देखो, तीनों प्लेना। मिला? ये दिमाग में रखने की कोई जरूरत नहीं, दोनों में टिन्नो टिन्नो आ रहा है। बोलो भैया,
दोनों में क्या आ रहा है? टेन्नो टेन्नो। ये ब्रैकिया मतलब क्या होता है? आर। देखो जो बगल में बना है टीनो फोरा, टीनो फोरा भैया तीसरे नंबर का फाइलम है। तुम फिश पे पहुंच गई, बहुत समय से बहुत आगे जा रही हो तुम। अब देखो बेटा तीसरे नंबर पे टीनो फोरा, ब्रैकिया मतलब आर। उसके जो टेंटिकल्स निकले हुए हैं ऐसा लग रहा है वो भुजाओं की तरह लंबे लंबे हैं। मिला नाम है उसका प्लूरो ब्रैकिया। अब बेटा बोलो टेपोम, टीनिया, टीनिया, टेपोम। क्या हुक और सकर पैरासिटिक फॉर्म में पाया जाएगा? हर फॉर्म में की पैरासिटिक पक्का। अच्छा अगला देखो फैसियोला, बोलो फैसियोला, लिवर फ्लोर, फैसियोला, फैसियोला, लिवर फ्लोर, 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 टीनिया, टेपवॉर्म, टीनिया, टेपवॉर्म। अच्छा इधर सुनो, दो दिन से पेक ही चल रहा है। हाँ सुनो, फाइसेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, गर्गोनिया सी पेन, पिन्नाटुला, क्या पिन्नाटुला, पिन्नाटुला, गर्गोनिया, कौन कह रहा सी पेन? हाथ नीचे करे। अरे अरे साहब साहब इतने लोग नहीं साहब। अगला साइकॉन, स्काइफॉन, बाथ स्पंज, यू स्पंज, फ्रेश वाटर स्पंज, स्पंजिला। टेपोम पहचान जाओगे, लिवर फ्लोक भी आराम से पहचान में आ रहा है। कोई इसकी ट्रिक मत बनाओ, पन्ना पलट दो, पन्ना पलटा भैया। इसमें जो है कौन सा फाइल फाइल आया? एस्केलमेंथीस, फेमस मेंबर एस्केरिस, सब जानते हैं राउंड वॉर्म, उसको मत याद करो। ए वाउचेरिया बेनक्राफ्टी, वाउचेरिया मलाई याद है? वाउचेरिया बेनक्राफ्टी और वाउचेरिया मलाई, वाउचेरिया कराता है फाइलेरिया, इसीलिए उसे बोलते हैं फाइलेरियल वॉर्म। ऊपर कितने लोगों के घरों में टीन लगा है? टीन, टीन शेड, टीन शेड, टीन शेड, हाँ छत पे या कहीं भी। अच्छा ये पता है जब जहां टीन लगाते हैं, अच्छा बाकी लोगों की हवेलियां हैं क्या? आओ सुनो, इधर सुनो, अब मेरी बात सुनो। जो टीन शेड लगा होता है बच्चों, आपने देखा होगा टीन शेड में, टीन शेड में ऐसा नहीं होता टीन ऊपर ऐसे रख दो, ऐसे रख दो तो बच्चे से नीचे आ जाएगी। बीच बीच में आपको एंकल लगाने होते हैं, उसी में हुक फंसता है। देखा होगा ना? देखा ही नहीं आज तक? नहीं हाँ, एंकल, एंकल, एंकाइलोस्टोमा, पढ़ लो खत्म। अरे पढ़ो, एंकाइलोस्टोमा हुक वॉर्म। नीचे जाओ, आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, बहुत कठिन है वो याद नहीं होगा। अरे हिरुडिनेरिया लीश, हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया। अभी एग्जांपल में बहुत याद करने की कोशिश मत करो, मैं एक ही क्लास में याद करा दूंगा। क्या गेड़ी? अच्छा जी डी, हाँ ग्रुप डिस्कशन। एंकाइलोस्टोमा हुकवॉर्म, हिरुडिनेरिया लीश, फेरिडिमा किसका नाम है? आर्थ्रोपोडा, फेरिडिमा, 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 पूरा नाम है फेरिडिमा पोस्टोमा। अभी वो एक क्लास में सब याद हो जाएगा, एक बार बस मैं दिखा रहा हूं, अभी याद नहीं करा रहा हूं, जब दिमाग में ठूसना चाहूंगा तो ठूस दूंगा। क्लियर? अगला आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा मिला, मिला। पहले पहले सारे डायग्राम एक बार देखिए, जितने डायग्राम बने एक बार एनसीईआरटी के सारे डायग्राम देखिए। ये हम ऐसे याद करेंगे, पहला डायग्राम साइकोन स्काइफा का है, बगल में ये स्पॉन्जिला है, नीचे इतने बगल में यू स्पंजिया है, नीचे स्पॉन्जिला है, पन्ना पलटो तो ऑरिलिया है, फिर एडेमशिया है, उसके बगल में प्लूरो ब्रैकिया है, बोलो, नीचे टेपॉम है, उसके बगल में फैसियोला है। ऐसे याद हो जाएगा ना बेटा, बाप बन जाओगे। पन्ना पलटो, उसके बाद आपका राउंड वॉर्म है, उसके नीचे नीरिस और, नीरिस और हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया बोल दो या लीज बोल दो। आ जाओ आर्थ्रोपोडा, मिला। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, जिनसे हमें फायदा होता है, हनी भी मिलता है एपिस इंडिका। इसके बाद बॉम्बेक्स, ऊपर आपको पता है सबसे ज्यादा रेशम कहां का फेमस है? बॉम्बे का, बॉम्बे का। बॉम्बिक्स आपका क्या हुआ? सिल्क वॉर्म। अच्छा आपने कभी देखा होगा बचपन में हम लोग को घर वाले खिलौना दिलाते थे,
अब तो खिलौने भी बहुत महंगे आते हैं, देखा होगा। अब पहले खिलौने बहुत सस्ते आते थे, वो प्लास्टिक के बने होते थे। अब के खिलौने जिसको आप प्लास्टिक मानते हो, प्लास्टिक नहीं होती है, वो होता है लैक। लैक एक सब्सटेंस है, जैसे प्लास्टिक है, जैसे प्लास्टिक है वैसे ही लैक भी क्या है, एक सब्सटेंस है। लैक प्लास्टिक जैसा होता है, बट लैक इज नॉट प्लास्टिक। लैक अब तो कह रहा हूँ, आजकल जो खिलौने आते महंगे वाले, उनकी फिनिशिंग एक अलग ही लगती है। देखा है कि नहीं देखा है? इस उम्र में भी खिलौने खेल रहे हो बेटा? अच्छा अब इधर सुनो बेटा, मेरी बात सुनो, खिलौने खेल रहे हो? अच्छा अब मेरी बात सुनो, इधर सुनो इधर। सर बचपन में खिलौना खेला करते थे, अब तो जिंदगी हमसे खेल रही है। अरे ठीक है भैया, रुक जाओ। अब सुनो, तो जो वो खिलौने हैं जिनमें फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है, वो लैक नाम के सब्सटेंस के बने होते हैं, और लैक मिलता है लैक इंसेक्ट से। उसका दूसरा नाम बहुत कठिन है, याद नहीं करा पाऊंगा। कौन सी बेटा? क्या? हाँ अच्छा, लेसीवर। हाँ वेक्टर, वेक्टर मतलब बीमारियों को फैलाने वाले, जितने भी हैं सब की सब मच्छरनिया बीमारी फैलाती हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा, NCERT कह रही है। तीन मच्छर के नाम है, एनोफिलीस, क्यूलेक्स, एडी। आज याद करना है क्या? आज सिर्फ सुनना है। अगला ग्रिगेरियस, ऊपर झुंड, ऊपर ऊपर झुंड। सुनो आपको एक चीज बताएं, एक चीज बड़ी अच्छी बताता हूं, पूछिए क्या। देखो मेरी बात सुनना, दुनिया में दो तरीके के लोग हैं, पूछिए कौन कौन। एक वो जिनको ग्रुपिंग पसंद है, क्लबिंग पसंद है, कि कई लोग साथ में बैठे हैं, आपस में बात बात चल रही है, चाय वाय गरमाई जा रही रात के 2 बजे। कुछ लोग वो लोग होते हैं जिन्हें झुंड पसंद है, कुछ लोग होते हैं जिन्हें अकेलापन पसंद है। हाँ मैं बिल्कुल हूँ, जिनको अकेलापन पसंद। देखो अकेलापन ना के बराबर लोगों को पसंद होता है, अकेलापन उन्हें पसंद होता है जो कभी झुंड में रहा करते थे, क्योंकि उन्हें झुंड में रहने की डिमेरिट्स पता चल गई होती है। क्योंकि अगर आप झुंड में रहते हैं ना, तो आपका ब्रेन सेल्फ एनालिसिस करेगा ही नहीं। आपको पहली बात तो जो दोस्तों का ग्रुप होता है वो आपको ये एहसास दिलाता है ऑल इज फाइन, हम भी नहीं पढ़ रहे, तुम भी मत पढ़ो, हम दोनों समय पर बात कर रहे हैं, पर हम ये नहीं देखते कोई तीसरा पढ़ रहा। देख समझे, एक ना पढ़ने वाले और एक बहुत पढ़ने वाले के बीच दोस्ती नहीं होती, हो ही नहीं पाती, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांस है। क्योंकि जो बहुत पढ़ने वाला होगा वो आपको समय नहीं देगा, और ना पढ़ने वाले कोई बार बार गिल्ट होता है, कभी तो पढ़ता बहुत है यार, मैं नहीं पढ़ रहा, तो वो दोस्ती अपने आप तोड़ देता है, जो नहीं पढ़ता वो तोड़ देता है, समझना मेरी बात। और अगर आप अकेले रहना सीख जाओ ना लाइफ में, मैं आपको बहुत सीरियसली बता रहा हूँ, मैं ऐसा अकेलापन कितने साल से झेल रहा हूँ, 4.5-5 साल से बिल्कुल अकेले। तुम्हें बड़ा इतना मन से पूछ रहा, बिल्कुल अकेले? अरे लड़का पागल हो गया क्या भाई, इनको कल से पीछे बैठाइए आप। आओ, तो इन 5 साल की सेल्फ एनालिसिस में मैंने अपने जीवन में जो सबसे ज्यादा सीखा है, वो अपने लास्ट 5 ईयर में सबसे ज्यादा मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है चीजों को। तो जब आप अकेले रहते हो ना, सच बता रहा हूं, पहले तो अकेले रहना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत कम लोग रह पाते हैं, लेकिन जो रहते हैं बड़ा सुकून में जीते हैं, कोई टेंशन ही नहीं, जहां मर्जी हो टांग फैला के लेट जाओ, जो मर्जी है वो करो, Nobody is going to decide you what you are doing. तुम्हारा जो मन है वो करो, सीधी सी बात, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना ना पढ़ो, उलरना है उलर जाओ, मतलब जो करना है करो, Nobody will judge you. नहीं समझे बात को? जैसे आपको मेरे आसपास एक भीड़ दिखती है कि साहिल सर के साथ काफी लोग रहते हैं, कोई नहीं, साहिल सर के अंदर कोई नहीं रहता, सिर्फ बाहर है। नहीं समझे बात को? कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, तुम क्या सोचते हो, आई केयर। ये क्या सोचते हैं, आई डोंट केयर। ये क्या बोलते हैं, इनकी बात की कोई वैल्यू नहीं। ठीक, अब आई लव यू, मतलब कहने का सेंस ये था कि अरे सर आप ये कैसे कपड़े पहने हैं आज, अबे हमारा पैसा, हम पहने ना पहने, पहने पहने ये जरूरी है, क्या पहने मेरा मन। तो याद रखना बेटा, अगर कष्ट को लो करना है, क्या करना है, कष्ट को लो करना है, बोलो भैया। देखो अकेले रहोगे तरह तरह के ख्याल आएंगे, 4 दोस्तों के साथ रहोगे लगेगा ऑल इज वेल। तो कष्ट को लो करना है, झुंड में रहिए। अगला मेरा नाम ही है, पढ़िए तो
समझ गया बात को, लेकिन वो कष्ट झूठी दुनिया में लो होगा, असली दुनिया में आप निपट जाएंगे। लिविंग फॉसिल लिमलस, बोले एल से लिविंग फॉसिल, एल से लिमलस, ऑब्लिक ऑब्लिक, एक और एग्जांपल लिखो, ऑब्लिक नहीं, एंड गिंको, गिंको एक प्लांट है, एंड गिंको, गिंको एक प्लांट है, ब्रैकेट प्लांट लिख देना, जी आई एन जी के ओ, जी आई एल जी के ओ, गिंको लिखा, एंड है, एंड वो प्लांट है जिम्नोस्पर्म। लिखिए लिविंग फॉसिल क्या होते हैं, सोचो इतना कुछ हम लोग पढ़ लिया, अभी तक वही हेडिंग पड़ी हुई है। लिखा लिवलेस का दूसरा नाम क्या है, किंग क्रैब। लिविंग फॉसिल लिखिए कैसे कहते हैं, जिसके फॉसिल तो हमें मिल रहे हैं बहुत पुराने पुराने, लेकिन आज भी वो हमें वैसा ही दिख रहा है, दैट्स व्हाई नाम क्या पड़े, लिविंग फॉसिल। लिखो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एवोल्यूशन ना के बराबर हुआ हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एवोल्यूशन ना के बराबर हुआ हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एवोल्यूशन ना के बराबर हुआ हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एवोल्यूशन ना के बराबर हुआ हो, लिखो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एवोल्यूशन ना के बराबर हुआ हो गया, हो गया। ये सबसे बड़ा फाइलम कौन सा था, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद अगला नंबर आता है मोलस्का, सबसे बड़े फाइलम में किसका नाम आता है, मोलस्का ना, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरे नंबर पर मोलस्का, और तीसरा आपको जानना नहीं है। अब सुनना, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एंड अकॉर्डिंग टू नीट एग्जाम, अगर आपसे पूछा जाता है कि पहली बार मस्कुलर पैर किसके बने, किसके पांव में मसल्स थी, सुनो यार ऊपर देखो, ऊपर ऐसी ऐसा फाइलम जिसमें पहली बार ए मस्कुलर फेरिंग्स बना था, एस्केलमेन थी, मस्कुलर फीट बना था, फाइलम मोलस्का। लिखो भूल जाओगे, मस्कुलर फेरिंग्स लिख लिया, मस्कुलर फेरिंग्स, देखो मस्कुलर फेरिंग्स, एस्केलमेंटीज, स्पेलिंग लिख लो मान जाए, ए एस सी एच ई एल, आगे देख लो, एस्केलमेंटीज, मस्कुलर फीट पांव, मस्कुलर फीट मौलाना, मस्कुलर फीट टंगिया जो ना, टंगड़ी जो ना, लेग पीस, लेग पीस हो गया, मस्कुलर फीट, फाइलम मोलस्का, ओवर एंड आउट कर लिया। मोलस्का एक डायग्राम में खत्म करता हूं मैं, एक डायग्राम में सीख जाओगे पूरा मोलस्का, बस मन से देखना। तुमने स्नेल का नाम कभी ना कभी सुना होगा, इतने मन से यहां बता रही है इनके घर का मेंबर हो, घोंघू, ये हमारा कार्टूनी स्नेल है, कैसा बेटा, कार्टूनी, क्या कर रहे हो बेटा, बोल क्यों रहे हो, बोर्ड की तरफ देखो, ये इसकी गर्दन, ये इसकी स्पॉन्जी स्किन, छुओगे तो बिल्कुल गुल गुल तकिया, हाँ हाँ इसी उस रख के सो जाते हैं लोग, ये इसके मस्कुलर फीट, ये कौन पाँव है, बस यही पाँव है, हाँ सही है, गेंडा लग रहा है। सुनो, इसकी ये सॉफ्ट स्पॉन्जी स्किन कहलाती मेंटल, इसकी क्या बोल रहे हो यार, इसकी सॉफ्ट स्पॉन्जी स्किन क्या कहलाएगी, मेंटल, और ये जो पूरा माल है इसमें इसके विसरल ऑर्गन भरे हुए हैं, विसरल ऑर्गन कहने का मतलब बॉडी ऑर्गन, एग्जाम्पल स्टमक हो गया, एग्जाम्पल इंटेस्टाइन हो गई, बोलो, एग्जाम्पल इंटेस्टाइन हो गई, ठीक। इस वजह से इस कूबड़ को, क्या बोला, इस कूबड़ को, इस पूरे पोर्शन को हम लोग बोलते हैं विसरल हम, कौन सा हम, विसरल हम, हम का मतलब क्या होता है, कूबड़, हम का मतलब क्या होता है, कूबड़, तने दिखा दो बेटा,
विसरल हम अर्थात कुबर। पक्का? क्यों बोला विसरल हम? क्योंकि अंदर क्या भरे हैं? विसरल ऑर्गन। इन दोनों लेयर को क्या बोला हमने? मेंटल। सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। मैं तो लिखूंगा गुलगुल तकिया, गुलगुल तकिया। और ये कौन भाई है अपने? अनस भाई। एनस। ये है टेंटिकल्स, जैसे कॉकरोच में भी पाए गए थे, याद है? टेंटिकल्स। अब इधर देखो, देखते जाना। इनके एनस के जस्ट नीचे, मल द्वार के जस्ट नीचे एक पंख पाया जाता है। वाह भाई वाह, पंख पाया गया भी तो कहां? रोज रोज उसी पंख पे कुछ ना कुछ होता होगा, नाना प्रकार की चीजें गिरती होंगी। बोलो भैया, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलो, बोल क्यों नहीं रहा यार? ये जो पंख जैसा लग रहा है ना, इसको बोलते हैं गिल्स। अभी आगे तो सुनो, काम सुनोगे ना तो मुंह से अगर ये ना निकला, अरे रे रे रे, बोलो अरे रे 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 रे। रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन कहां से ससवा ले रहे हो यार? और उसी से सांसों ले रहे हो और उसी से एक्सक्रीशन में, मतलब पेशाबो चल रहा है। व्हाट इज हैपनिंग हियर? वो भी अनस भाई ऊपर है, वैसे कि यहाँ, वैसे भी यहाँ की हवाओं में जो एक खुशबू होगी वो, मतलब वो सांस भी ले रहे हैं, फूफू भी कर रहे हैं और ऊपर से बचर बचर। बोलो यार। तो ये फेदर लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? गिल्स। आइए इनके दांतों पे, दांतों का जिक्र किया जाए। दांत इनके आरी जैसे होते हैं। कैसे बेटा? आरी जैसे। दांत इनके आरी जैसे होते हैं और इससे ये लकड़ियों को रेतते हैं। क्या करते हैं? रेतते हैं, रेत रेत के खाते हैं। पक्का? और इनके दांत को हम लोग बोलते हैं रेडुला। कौनला? रेडुला। फाइल लाइक, फाइल मतलब आरी जैसा, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन। रेस्पिंग मतलब रेतना, ना पता हो लिख लिया करिए। फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, ओवर एंड आउट, खत्म। ऊपर देखिए, विसरल हम ऊपर, ये पूरा कुबड़ कहलाएगा विसरल हम, क्योंकि अंदर भरे विसरल ऑर्गन। ऊपर वाली लेयर मेंटल, सॉफ्ट और स्पॉन्जी। अब इधर देखना, ये विसरल हम, इधर इधर जा, हेलो हेलो हेलो, ये विसरल हम और मेंटल के बीच में जो कैविटी है जिसमें फेदर लाइक क्या पाए जा रहे हैं? गिल्स। इसे बोलते हैं मेंटल कैविटी। कौन सी कैविटी? मेंटल कैविटी। बिटवीन विसरल हम एंड मेंटल, एकदम क्लियर? मेंटल और पूरे हम के बीच में ये जो कैविटी पाई जा रही है, इसी में पाए जाएंगे फेदर लाइक गिल्स। अरे रे 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 रे। रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन। क्लियर हो तो हाँ बोल दो भैया, आगे बढ़ रहा हूँ फिर मैं। अच्छा, कभी तुमने अगर घोंघा देखा हो तो उसके ऊपर ऐसे शेल भी पाई जाती है, देखा होगा? तो इसके ऊपर क्या पाई जाएगी? शेल, ताकि अपने आप को ही बचा सके। तुम आओगे से छेड़ने, पक्के से घुस जाएगा अंदर, देखा होगा यार। कहते लोग ने घेंगा छुआ है, हाथ से पकड़ा है, हाथ से। कहते लोग ने देखा है, ऊपर देखा होगा शेल पाई जाती है। कई बार बालू वालू आती है तो हम लोग शंख समझ के उसको बजाते थे। भैया शंख वो नहीं होता, काहे मजाक कर रहे हो? इधर पहले बताओ, इतनी बात एकदम क्लियर हो गई है? तो बॉडी किस में डिवाइडेड है? विसरल हम, और आपके यहाँ पर क्या पाए जा रहे हैं? मस्कुलर फीट और आपके टेंटिकल्स। इधर देखो बेटा, एक ही डायग्राम में सब सिखा दिया। मुंह में रेती जैसे कौन सा अंग पाया जा रहा है? रेडुला। बोलो फाइल लाइक, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन। रेस्पिंग मतलब रेतना, ओवर एंड आउट। डायग्राम में ही सब कुछ खत्म, फाइलम आर्थ्रोपोडा खत्म। ओए मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। ऊपर कैल्केरियस शेल विद डिस्टिंक्ट, अलग से हेड दिखता है, पैर अलग से दिखते हैं और विसरल हम अलग से दिखता है। डिस्टिंक्ट मतलब साफ साफ दिखना। सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन। ऊपर सॉफ्ट, हाँ देखो, हाँ देखो, हाँ देखो, सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन कहलाती है मेंटल।
क्या कहलाती है? मैनिटर, जो किसके ऊपर पाई जा रही? विसरल। हाँ, कह रहा सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म मेंटल ओवर विसरल हम, विसरल हम के ऊपर द स्पेस बिटवीन, ऊपर हाथ देखो ये पूरा क्या है? विसरल हम, और ये क्या है? मेंटल, मेंटल और विसरल हम, मेंटल और विसरल हम के बीच में जो कैविटी है, बोला करिए। कह रहा है द स्पेस, तुम लाए नहीं पेन ड्राइव अभी तक? हाँ, अच्छा, द स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी इन विच पंख जैसे गिल्स क्या होते हैं? फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। अरे रे 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 रे, रिस्पायरेशन और एक्सट्रेशन। ऊपर इनके टेंटिकल आगे लगे होते हैं कि पीछे? आगे भैया, कहाँ लगा रहे हो यार? क्या टेंटिकल का काम है माहौल अगल बगल का इन्वायरमेंट मॉनिटर करना, क्या मॉनिटर करोगे पीछे? एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स, माउथ कंटेन फाइल लाइक, फाइल का मतलब लिखो आरी, आरी आरी आरी, माउथ कंटेन फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, रेस्पिंग मतलब रेतने वाले, आरी से रेता जाता है, हो गया? आरी से जो काटते हैं तो आरी ऐसे नहीं काटती चाकू की तरह, आरी रेत के काटती है। लिखो अगला है फाइलम इकाइनोडर्मेटा, आराम आराम से सीखेंगे। चला ऊपर ऊपर इकाइनोडर्मेटा, इकाइनस का मतलब ही होता है स्पाइनी बॉडी। ये फाइलम कभी भी आप देख के बहुत अच्छा नहीं समझ पाओगे, इसको मैं भी आपको दिखाऊंगा दूसरे तरीके से, पहला एक बार सुन लीजिए पूरी बात। अगर इनकी आप स्किन की लेयर उछाड़ो, उछाड़ो मतलब निकालो, अगर आप इनकी स्किन की लेयर हटाओ, ठीक, तो आपको नीचे ढेर सारी छोटी छोटी कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है, छोटी छोटी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई हड्डियां मिलती हैं। ऑसिकल्स का मतलब होता है स्मॉल बोन, याद करो आप बोलते हो ईयर ऑसिकल, क्योंकि वो बोन कैसी होती है? स्मॉल। मैलियस, इनकस, स्टेपी, तीन ऑस्किल पढ़ते हो आप। ऑस्किल का मतलब क्या है? स्मॉल बोन, छोटी हड्डियों को क्या बोलते हैं? ऑस्किल। सुनते जाइएगा, बस मेरी बात सिखाता चला जाऊंगा। छोटी हड्डियों को ऑस्किल्स बोलते हैं। इनकी स्किन को अगर आप हटाते हैं तो आपका नीचे छोटी छोटी हड्डियां आपको मिलती हैं, और छूने में अगर आप इनको छुओ तो उन हड्डियों का नोकीलापन आपको इनकी स्किन छूने से ही पता चल जाएगा। वो हड्डियां जब तक देखेंगे नहीं आप फील नहीं कर पाएंगे। इन्हें इसी वजह से स्पाइनी बॉडीड कहते हैं। स्पाइनी बॉडीड मतलब कटहे, मतलब ऐसा लगेगा ऊपर नोकीलापन है। अभी इनकी बॉडी में आपको दिखाऊंगा, परेशान ना होइए। ये बताओ स्टार फिश देखी है कभी? नाम तो सुना होगा। लेट के चलती है कि खड़ी होके? कौन कह रहा है लेट के? अच्छा, अगर मैं लेट के चलूंगा, अगर मैं लेट के चलूंगा तो बताइए माउथ नीचे की ऊपर और एनस माउथ वेंट्रल एनस डोर्सल लोअर, ऐसे एग्जाम में आए ना तो वही लेट जाना और पूछेंगे क्या कर रहे हो ये? कह रहा मैम चेक कर रहे हैं क्या चीज किधर है। माउथ वेंट्रल लोअर पार्ट में क्या है? माउथ। और अपर पार्ट में क्या है? एनस। बोलो यार, एकदम क्लियर है? क्लियर है पीछे वालों, क्लियर है? अच्छा, अब सुनो, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा इंडोस्केलेटन, स्किन उतारी थी, स्किन उतारी थी तब मुझे मिला था छोटी छोटी हड्डियों का ढांचा। कैलकेरियस मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, ये वर्ड फाइलम सिलेंट्रेटा में भी आया, फाइलम सिलेंट्रेटा में ये बात कोरल को लेकर कही गई है। अच्छा, ये पढ़ा चुका हूं, एडल्ट में कैसी सिमेट्री? रेडियल, और लार्वा बाइलेटरल, माउथ वेंट्रल एनस डॉर्सल, पक्का? एक चीज बहुत बुरी लगी यार, लेकिन मेरी मम्मी ने कॉल करके किसी मेरे बड़े नजदीकी से बोला कि अभी वो ठीक है ना, मेंटली स्टेबल है ना, उसको बताना मत कि हमें पता है, अगर उसे पता चल गया कि हमें पता है तो डिप्रेस और हो जाएगा। माँ अलग ही चीज होती है।
ना सच में इतनी इमोशनल हो गई तुम। आओ अम्मा हमारी इमोशन कैसे तुम्हारे। आओ अगला देखो इकाइनो डर्मेटा। बेटा पहले ये सब मैं पढ़ाता था ठीक है, आपका टिडमैन बॉडी, मैदापुराइट नाम होता है, मैदापुराइट स्टोन को स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, रेडियल कैनाल, ट्यूब फिट, पहले सब पढ़ाया जाता था। अब ये सब नहीं पढ़ना है आपको, पहले हम लोग एरिस्टोटल लैंटन भी पढ़ते थे, फिर उनके अपॉक्सेस पढ़ते थे, लेकिन अब ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। तो कोशिश करना मुझसे ज़्यादा बहस मत करना इस टॉपिक पे, क्योंकि देखो सिलेबस से बाहर जाना किसी भी कंपटीशन के लिए सिलेबस से बाहर जाना अपराध है। अगर आप सिलेबस से बाहर जा रहे हैं तो आप अपराध कर रहे हैं। तो मैं अपना टैलेंट दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना अच्छा डिटेल में समझा सकता हूँ, इसलिए आपका भविष्य खराब नहीं करूँगा, तो आप भी इस टॉपिक पर ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, जितना मैं बोलूँगा उतना चुपचाप सुनिएगा आगे बढ़ जाइएगा। ओके सर। और अगर आपको बहुत डिटेल में जाना हो तो पुराना वीडियो पढ़ा हुआ है इकाइनोडर्मेटा का, उसमें खूब पढ़ाया है, खूब पढ़ाया है, मतलब जम के पढ़ो, एक दिन लगाओ इसी में। ये है मेरी कौन सी फिश, स्टार फिश। ठीक, इधर देखो, यहां पर एक छेद पाया जाता है जिसे बोलते हैं मैद्रेपोराइट। गोला बिल्कुल का, ये एक नाली होती है यहां पे, फिर गोल गोल नाली होती है। सर क्या नाम है? आई डोंट नो सर। ये लंबी लंबी नालियां हैं, दिखेगा सबर करो। ठीक, ये लंबी लंबी नालियां। सर ये तो हमें लग रहा है गजब का सिस्टम है, वाटर सिस्टम। सर जी सिस्टम ही सिस्टम। आओ बेटा, मान लो पानी जो है, पानी इसी छेद के थ्रू अंदर जाएगा, यहाँ आएगा, गोल गोल घूमेगा और हर दिशा में भागेगा। पक्का? अब एक का समझा रहा हूँ, सबका नहीं समझाऊंगा। यहाँ पर मौजूद होते हैं ट्यूब जैसे अंग। कैसे? ट्यूब जैसे। इस ट्यूब जैसे अंग की मदद से ये चलता है। ठीक, और एक ही नहीं होते बेटा, लाइन से ढेर सारे हजारों लगे होते हैं। ठीक, इसे बोलते हैं ट्यूब फिट। ट्यूब जैसा, इस वजह से ट्यूब बोला, चलने में मदद कर रहा है, इस वजह से क्या बोला? फिट। कितने लोग मानते हैं हड्डियां आपका ढांचा बनाती है? हाथ ऊपर करिए। आपको लगता है कभी पानी ढांचा बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। गुब्बारे में पानी भर दो तो गुब्बारे का वो ढांचा किसकी वजह से मेंटेन है? पानी। ये जो पानी जब अंदर जाके इसमें भरेगा, जब पानी अंदर जाके भरेगा, जब पानी अंदर जाकर भरेगा, जब पानी अंदर जाकर भरेगा, अंदर जाकर भरेगा, तो ये टाइट हो जाएगा कि लूज? टाइट। नीचे से बंद है, पानी निकलेगा नहीं, ये क्या हो जाएगा? टाइट। और इसका मतलब ये पूरा जो सिस्टम है, ये जो आपका पाइपों का सिस्टम है, इस वजह से बोलूंगा वाटर वेस्कुलर, जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, समझना, इसे एम्बुलेटरल सिस्टम भी बोलते हैं, लिखवा दूंगा अभी, रुक जाओ। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर कैनाल अलग था, वो फाइलम पोरीफेरा लिखवाया था वहां पे। ये है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, अर्थात ये किसका सिस्टम है? पाइपों का। ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या ट्यूब फिट में जब पानी को भेजता होगा तो क्या वो उसको सख्त करता होगा या नहीं करता होगा? करता होगा। तो बताओ क्या ये लोकोमोशन में मदद करेगा? करेगा। पक्का? पक्का? पढ़ो, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, समझ गए ना लोकोमोशन में कैसे मदद कर रहा है? बोलते ही नहीं हो यार। अच्छा अभी देखोगे तो और क्लियर होगा। वाटर वेस्कुलर सिस्टम विच हेल्प इन लोकोमोशन। ऊपर पानी के साथ साथ खाना भी अंदर जाएगा, बोलो यार। कह रहा फूड कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, खाने को इधर उधर ले जाना। क्या पानी में ऑक्सीजन होगी क्या? तो सेल्स इसकी क्या करेंगी, इसी पानी से क्या निकाल लेंगी? ऑक्सीजन। और बदले में क्या डाल देंगे? कार्बन डाई ऑक्साइड। हो गया बेटा, याद रखना इकाइनोडर्मेटा एक ऐसा फाइलम जिसके पास एक्सक्रीटरी कोई अंग ही नहीं होता, एक्सक्रीटरी ऑर्गन अब्सेंट है। तो आप कहोगे एक्सक्रीशन कैसे करेगा? इंटायर बॉडी सरफेस, पूरी बॉडी पे चौतरफा सुसु मारता है, जैसे स्पॉन्जेस सिलेंड्री फ्लैट वॉल, वैसे ही आपके इकाइनोडर्मेटा भी पूरी बॉडी सरफेस से डायरेक्ट क्या करते हैं? एक्सक्रीशन, क्योंकि एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? अपसेट। नीचे देखो और पढ़ो, खत्म। पहले जहां वाटर वेस्कुलर लिखा वहां एम्बुलेटरल लिखो, AMBU, अब्बू नहीं बेटा एम्बू, AMBU, LACRAL, वाटर वेस्कुलर के नीचे लिखो एम्बुलेटरल,
AMBULACRAL, एम्बुलेक्रल सिस्टम हो गया, एम्बुलेक्रल, एम्बुलेक्रल, AMBULACRAL, एम्बुलेक्रल सिस्टम। They are all marine. हो गया? बोलो। हो गया? Over and out, mechanometer खत्म। अरे कुछ अलग से पता है जो ना पाया जाता हो इनमें। हर साल अपडेशन होता है, और अच्छा और अच्छा और अच्छा। इस साल के लिए मेद्रोपोराइट, स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, ट्यूब फिट, एम्पुला और ये सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। आपको सीधे से दिमाग में रखना है कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम के तीन काम हैं,
सीधी सी बात है, चार काम, सॉरी, रिस्पायरेशन, फूड को कैप्चर करना, फूड को ट्रांसपोर्ट करना, और इसके साथ साथ लोको मोशन, बात खत्म। नेक्स्ट फाइलम इज द स्मॉलेस्ट फाइलम, दैट इज हेमीकॉर्डेटा। 50 मेंबर भी कायदे से हेमीकॉर्डेटा में नहीं रखे गए। हेमीकॉर्डेटा को लेके एक लाइन मैंने पहले दिन कही थी कि इन्हें पहले फाइलम कॉर्डेटा के अंदर एक सब फाइलम की तरह रखा गया, बाद में निकाल के एक अलग से क्या दे दिया गया, फाइलम। क्योंकि हेमीकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड कैसी होती है, रुडिमेंट्री, कम डेवलप रहती, जिसे हम लोग क्या बोले थे, स्टोमोकॉर्ड। एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, खत्म हो जाएगा तुरंत, डायग्राम पर देखो खत्म हो जाएगा बेटा। बॉडी देखो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, तीन। एक आपको वहां पर मिला होगा बिल्कुल टॉप पर, प्रोबोस्किस, ठीक है, लिखो कंटेन्स, उसी पे लिख लो कंटेन्स प्रोबोस्किस ग्लैंड, कंटेन्स प्रोबोस्किस ग्लैंड। Contains proboscis gland, which help in excretion, which help in excretion. हो गया? ये बताओ, अगर मैराइन होते हैं ये, जैसे इकानोडर्मेटा मैराइन है, वैसे हेमीकॉर्डेटा भी क्या है, मैराइन। तो बताओ, ऊपर इकानोडर्मेटा जैसे मैराइन है, वैसे हेमीकॉर्डेटा भी मैराइन है, तो बताइए, तीनों पोरा भी मैराइन है, वही वही, तीनों पोरा इकानोडर्मेटा हेमीकॉर्डेटा मैराइन है। तो बताओ, सांस किससे लेंगे, लंग से, गिल से, बोलो, बताओ, इनकी बॉडी में सबसे लंबा पार्ट कौन सा लग रहा है, कॉलर, कॉलर या ट्रंक, सही से देख, ट्रंक लिखो, ट्रंक के नीचे आगे ब्रैकेट में लिखो लॉन्गेस्ट, एक्सक्रीशन कौन कराएगा, प्रोबोस्किस ग्लैंड, और रिस्पायरेशन कौन कराएगा, गिल्स। फाइलम इकानोडर्मेटा खत्म, हेमीकॉर्डेटा खत्म। अरे जब हम क्या करें, स्मॉलेस्ट फाइलम, छोटा फाइलम, सिर्फ दो ही बात करनी, कहो 50 बात करें बेटा, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इनमें सेगमेंटेशन अब्सेंट होता है बेटा, ये आपके सीलोमेट होते हैं, फिर तुम्हें कहलवाए एस्केलमेंटी, सीलोमेट ऊपर वाले, ए सीलोमेट नीचे वाले सीलो। क्या आज ये दिन आ गया है, क्या अब ये दिन आ गया है तुम्हारे साथ ये करना पड़ेगा मुझको, बोलो यार, चलो बताओ, ये हेमीकॉर्डेटा तक क्लियर, 10 फाइलम एक तरफ, एक अकेला कॉर्डेटा एक तरफ, समझना मेरी बात, 10 फाइलम एक तरफ और एक अकेला कॉर्डेटा एक तरफ। कॉर्डेटा दो लेक्चर लेगा, उसके अगले लेक्चर में आएंगे एग्जांपल्स, वो डे किसका होगा, डे ऑफ एग्जांपल्स, जिसमें हम लोग, हाँ, जीडी तो करेंगे एक घंटे की, जिसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक घंटे के अंदर बाकी रिमेनिंग पोर्शन, किसमें लार्वा है, किसमें क्या है, किसमें, मतलब जो सेक्सुअल वाला पार्ट है इनका, कि आपका हर्माफ्रोडाइट है या डायोशियस है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है या एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, वो आधे घंटे में खत्म, लगभग 1.5 घंटे जीडी चलेगी, कितने घंटे, 1.5, मजा आ जाएगा देखना। आखिरी फाइलम कॉर्डेटा, हैवी हो रहा है क्या, ब्रेन झेल नहीं पा रहा क्या, आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं, थैंक यू, धन्यवाद।